हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे आप सभी लोग। तो फ्रेंड, एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के 7 मार्च के सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। जो भी सारे जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस शिफ्ट में, हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है तो आप कमेंट करें, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे ऐड करके, ठीक है। और तीनों ही शिफ्ट में जितने जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का कंपाइल वीडियो और पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी तो आप वीडियो भी देख सकते हैं और उसका पीडीएफ भी आप कलेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी तक नहीं जुड़े तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गोटाबाया राजपक्षे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैग सीएजी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 148 से ये रिलेटेड है कैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैटल ऑफ कानवा टुक प्लेस इन विच ईयर। तो ये 1927 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन विच ईयर। तो ये हुआ था आपका 1932 में। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ नोन एज फ्लोटिंग आइसलैंड लेक। तो वो है आपका लोटक लेक, ठीक है, लोटक लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड एट विच प्लेस। तो ये आपका हुआ था गुवाहाटी असम में है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा विद समराइजेशन यानी कि थोड़ा सा एलेबरेट करके आपको जो वीडियो मिलेगा वो शाम को मिलेगा, ताकि अगले शिफ्ट में अगले दिन आपको थोड़ा सा उससे प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका एग्ज़ाम भी है और सामने इसके बाद ख़त्म होते होते CHSL भी शुरू होना। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो भी सारे शिफ्ट हुए हैं टोटल 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, जो भी सारे एग्ज़ाम के शिफ्ट यानी कि लगभग एक दिन अगर 3 शिफ्ट हो रहा है तो 6 तारीख से लेकर आप माफ़ कीजिएगा 3 से लेकर 9 तारीख तक 7 दिन हो रहे हैं आपके, और 3 शिफ्ट यानी कि टोटल 21 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। जितने भी सारे जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, ठीक है, वो टोटल आपको मिल जाएगा नेक्स्ट दिन जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होगा, ठीक है। और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वो पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके CHSL एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं CGL में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि CPO से कॉमन मिले हैं, ठीक है, चाहे वो साइंस का हो चाहे आपका हिस्ट्री वगैरह का हो ज्योग्राफी हो, ठीक है। तो वहाँ से और वही ट्रेंड भी इसमें आपको देखने मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु डिस्कवर सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था कोशिका की। उसके बाद पूछा गया था, द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन विच लेक। तो ये आपका श्रीनगर में डल लेक, डल झील में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन साइंस कांग्रेस वेन्यू इज इन। तो ये आपका बैंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन अवार्ड किसे नहीं मिला। तो मिज़वान पटेल उसका करेक्ट आंसर होगा चारों में से। आप लोग ये ऑथेंटिकेशन कीजिएगा कि ये करेक्ट है, मतलब ये सही है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था, मिर्च कटिका इज़ रिटेन बाय। तो ये सूद्रक द्वारा लिखा गया है। उसके बाद पूछा गया था कि मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, तो वो क्या है, वो है लाठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु अवार्डेड ICC स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये मिला है आपके विराट कोहली को, इंडियन टीम के कैप्टन। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक हमारे पास आए। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। और तीनों ही शिफ्ट के जो क्वेश्चन रहेंगे उसका कंपाइल वीडियो आपको मिलेगा शाम को, और PDF भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।